किसान विधेयकों के पास होने के बाद यूपी के बुलंदशहर में रालोद कार्यकर्ता जबरन कलेक्ट्रेट में घुस गए और कलेक्ट्रेट में सब्जी मंडी लगाकर सब्जी बेची। रालोद कार्यकर्ताओं ने सिटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में सब्जियां बेचकर कृषि विधेयकों का विरोध किया व सरकार से किसान विधेयक को किसान विरोधी बताते हुए वापस लेने और किसान को अपनी उपज अपनी मर्जी से बेचने का अधिकार देने की मांग की। यही नहीं, रालोद कार्यकर्ताओं ने दावा किया कि किसान की हालत ठीक नहीं है, बच्चों की स्कूल की फीस नहीं दे पा रहे हैं, बिजली बिल हो या फिर कर्ज कैसे चुकाएं, ऐसे में आत्महत्या के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है और बिल वापस होना चाहिए। इस विधेयक से पूंजीपति किसानों की फसलों पर कब्जा कर लेंगे। तस्वीरें यूपी के बुलंदशहर कलेक्ट्रेट की हैं, जहां यह रालोद कार्यकर्ता आवाज लगाकर सब्जियां बेचकर किसान विधेयकों का विरोध कर रहे हैं। दरअसल कुछ देर पहले रालोद कार्यकर्ता एकत्र होकर कलेक्ट्रेट पहुंचे तो कलेक्ट्रेट का गेट बंद कर दिया गया, मगर कार्यकर्ताओं ने जबरन गेट को खोलकर कलेक्ट्रेट में घुस गए और सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर आवाज लगाकर सब्जियां बेचने लगे। रालोद कार्यकर्ताओं का दावा है कि किसान विधेयक किसान विरोधी है। वर्तमान समय में किसान को उसकी उपज का सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते ना तो बच्चों की फीस हो पा रही है, ना ही बिजली का बिल और ना ही वह कर्जा अदा कर पा रहे हैं। आज आपने कलेक्ट्रेट में आकर सब्जियां बेची हैं और एक प्रदर्शन करा, पूरा क्या है, क्या पूरा मामला? मैं पहले हिंदुस्तान की जनता को एक संदेश देना चाहता हूं और हिंदुस्तान की और प्रदेश की सरकार को एक संदेश देना चाहता हूं कि जनपद बुलंदशहर के अंदर किसान की क्या हालत हो गई है। उनके बनाए हुए कानून, जो कृषि कानून सरकार ने बनाया है, तीन नियम उन्होंने बनाए हैं, मंडियों का निजीकरण किया है, जो पहले कालाबाजारी होती थी उसे खत्म कर दिया गया है और पूंजीपति किसान से कॉन्ट्रैक्ट बेस पे उसकी जमीन ले सकता है, जिससे किसान जो है बेबस हो गया है। और हमारी मुख्य मांग एक है, एमएसपी रेट से कम पूरे देश में सरकार कहीं भी अपनी फसल बेचे, अगर उससे कम कीमत पर कोई व्यापारी या पूंजीपति उसकी फसल को खरीदता है तो किसान उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सके, उसके खिलाफ कार्रवाई करा सके। सरकार को इस कानून में संशोधन करना चाहिए, अगर ऐसा नहीं होगा तो पूंजीपतियों का इस मुल्क पर, किसानों की जमीनों पर उनका कब्जा होगा, सिर्फ खतौनियों पर किसानों का नाम रह जाएगा, उनकी औलादों का नाम रह जाएगा। ऐसी क्या मजबूरी पड़ गई जो आप कलेक्ट्रेट में आकर सिटी मजिस्ट्रेट के सामने सब्जी बेचने लगे, पूरा क्या मजबूरी है? सब्जी बेचने का मजबूरी ये है कि सरकार ने मंडियों का जो निजीकरण करा है कि आप प्राइवेट मंडी में कहीं भी अपना माल बेच सकते हैं, तो मैं समझता हूं कि यहां से मजबूत आदमी, इस टाइम कलेक्ट्रेट से मजबूत आदमी जिनकी बढ़िया तनख्वाह है, बढ़िया पैसे की सवारी है, अगर वो भी किसान की सब्जी तुम्हारे सामने, तुमने देखा किसी ने भी एक किलो हमारी सब्जी नहीं खरीदी, तो मैं सरकार को ये बताना चाहता हूं कि जब कलेक्ट्रेट के अंदर किसान की सरकार फसल नहीं बिक रही तो हम मुल्क के किस कोने में ले जाकर अपनी फसल बेचने का काम करें, कैसे अपने बच्चों की फीस जमा कराएं, कैसे माँ बाप का अस्पताल में इलाज कराएं, कैसे हम अपने बेटियों की शादी करें, ये सारी समस्याएं हमारे सामने सरकार ने खड़ा कर दी है। मैं हाथ जोड़कर सरकार से अपील करता हूं, जनपद बुलंदशहर के किसानों की तरफ से, कि इस कानून को वापस ले लें, वरना किसान के सामने दो रास्ते हैं, या तो सरकार के खिलाफ संघर्ष करते करते उनकी लाठियों से उनकी गोली से मरेगा, वरना आत्महत्या कर लेगा फांसी लगा के। नमस्कार, मैं हूं अंशु शर्मा और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही बाकी वीडियो देखने के लिए देखते रहिए द इंडियन समाचार, और वीडियोस पसंद आने पर हमारे चैनल द इंडियन समाचार को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।